अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदी जी। तो नाजिन कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का बहुत ही कामयाब नुस्खा है, जो लोग सीने की जलन को या परेशान हैं वो मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह तआला उनकी सीने की जलन खत्म हो जाएगी। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास और अहम है, मेरी वीडियो का अंत तक देखना सुनना ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। अब चलते हैं कि सबसे पहले आपने सीने की जलन के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। मज़ीद ऐसी मालूमती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी दही का आप इस्तेमाल किया करें। दही जो है आपने ऐसे नहीं खानी, थोड़ा सा इसके अंदर ठंडा पानी आप डाल दिया करेंगे तो दही का जो तासीर है वो ठंडी हो जाएगी और वो आपके लिए बहुत ही अच्छी है, सीने का जलन खत्म करने के लिए मुफीद है। और इसके अलावा अगर आपके बहुत ज्यादा जलन हो रही है तो आपने जो है उसको बहुत ज्यादा जलन की आपने कच्ची लस्सी बनाकर आपने इस्तेमाल कर लेना। अगर वो नहीं बना सकते तो दूध ठंडा आप पी सकते हैं, आपके सीने की जलन खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपने जो है तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, भुनी हुई तली चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ज़्यादा सीने की जलन हो जाती है। पराठे बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, पराठों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले आप खाते हैं, मज़े ले लेकर खा तो लेते हैं मगर उसके बाद जो है हमारे बहुत ज़्यादा सीने में जलन होती है। पकौड़े समोसे आपने नहीं खाने, यही तली चीज़ों में शामिल हो गए तो आपने इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना ताकि आपके जो है सीने की जलन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसी तरह ही गर्म चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें हम खा लेते हैं उससे भी हमारे सीने में जलन आती है। और खाना खाकर अगर आप सो जाते हैं तो इसमें भी हमारे सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है क्योंकि खाना हमारा हजम नहीं होता और हमें खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं और सीने के अंदर जलन शुरू होती है। और ठंडी चीज़ों का आप इस्तेमाल किया करें, जिस तरह मैंने बताया कि दही का इस्तेमाल किया करें, कच्ची लस्सी का या दूध का आप इस्तेमाल किया करें तो आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं कि सीने की जलन के लिए आपने नुस्खा कौन सा इस्तेमाल करना है। आपके सामने चीज़ें मौजूद हैं, आपके किचन के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, किचन आपका बहुत बड़ा दवा खाना है जहाँ से आप ये दवाई हासिल करके अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। पुदीना आपने लेना है, पुदीने की एक गट्ठी आपने ले लेनी है। ये देखिए पुदीना मेरे पास इस वक्त सूखा हुआ पुदीना है, अगर आपके पास सूखा हुआ मौजूद है तो वो ले लें, नहीं तो आपने ताज़ा फ्रेश पुदीना ही ले लेना है क्योंकि ये पुदीना आपके निज़ाम हजम को ठीक करेगा और ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो आपने ज़्यादा कोशिश करें कि आप पुदीने की गट्ठी को लें ताज़ा और उसके पत्ते तोड़कर आपने धो लेने हैं, डंडियों का इस्तेमाल नहीं करना। काला नमक भी आपने इसमें इस्तेमाल करना है, 1 से 2 चुटकी। और इसके बाद आते हैं काली मिर्च, काली मिर्च का आपने इस्तेमाल करना है जो कि आपके किचन के अंदर मौजूद है, काली मिर्च इसमें जाएगी। अब आप कह रहे होंगे कि काली मिर्च जो है बाजी ने बताया कि हमारे पहले जलन हो रही है हम इसमें काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे, तो काली मिर्च आपने 1 से 2 चुटकी आपने चुटकी है थोड़ा सा आपने इसमें काली मिर्च को ऐड ज़रूर करना है और फिर ये आपका हाजमा भी ठीक हो जाएगा। जब हाजमा ठीक होगा तो आपके सीने की जलन भी खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। और आपने कभी देखा होगा कि डॉक्टर लोग कहते हैं कि जी आपने रेड मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, मैदे में जलन हो, पेट में गर्माइश हो रही हो या आपको कह आ रही हो या मोशन आ रहे हो तो आपको काली मिर्च का ही इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है क्योंकि काली मिर्च हमारे लिए फायदेमंद होती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बल्कि रेड मिर्च जो है वो हमें नुकसान देती है, हमें सीने में जलन करती है तो इसलिए रेड मिर्च का इस्तेमाल बंद कर दिया जाता है। इन्फेक्शन के लिए खतरनाक है, अगर हमारे मैदे में अल्सर हो रहा है तो इसके लिए रेड मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें जो है काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तजावीज कम होती है और फायदेमंद बहुत होती है। खाना अगर आप इसमें बनाते हैं तो बहुत मजे का बनता है, कभी बनाकर देखिएगा, ठीक है। अब आपने पुदीने की गट्ठी ले लेनी है, काला नमक आपने लेना है, काली मिर्च के आपने जो है इसकी क्वांटिटी कम लेनी है। और आप अपने से बनाना कैसे है जो आपके निज़ाम हजम को ठीक हो जाएगा, आपका निज़ाम हजम ठीक होगा तो आपके सीने की जलन खत्म होगी। इसको आपने व्हाइट कोल्ड ड्रिंक आपने लेनी है, जो 7 अप की बोतल है व्हाइट कोल्ड ड्रिंक वो आपने लेनी है 7 अप, क्योंकि बहुत पुरानी ये बोतल चलती आ रही है, लोग पीते हैं मगर इसके अंदर एसिड होता है, ये आपकी सीने की जलन को ख़त्म कैसे करेगा जब आप इसके अंदर ये चीज़ें ऐड करेंगे। पुदीना आपने ऐड करना है, काला नमक और काली मिर्च आपने उसके अंदर व्हाइट कोल्ड ड्रिंक के अंदर डालकर इसको ग्राइंड करना है। तरीकाकार आप समझ गए होंगे आप, ये इसको ग्राइंड करना है, इन चीज़ों को डालकर जब ग्राइंड करेंगे तो ये मज़े का आपके पास जो है शरबत आ जाएगा, तो ये आपने पीना है खाना खाने के बाद या निहार में आप पी सकते हैं। सीने की जलन आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और बार बार आपको सीने की जलन नहीं होगी। आप हफ्ते में 2 बार भी पी लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, वरना रोज़ाना पियेंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप ये कोल्ड ड्रिंक के अंदर ग्राइंड करके पियेंगे ये नुस्खा, तो कामयाब नुस्खा रहा।
बहुत फ़ायदा रहा। जिन लोगों को सीने की जलन थी वो ख़त्म हो गई और जो है आपका खाना भी हजम होना शुरू हो गया। जो भी आप खाना खाएंगे आपका हाजमा ठीक रहेगा, तो आपको सीने की जलन कभी भी नहीं होगी। ठीक है जी, ये तो था कामयाब नुस्खा। आज की खूबसूरत बात, खामोश लहजों को ये मत समझें कि अंदर से खाली हैं, इनमें बातों की गहराई समंदरों से ज़्यादा होती है, बस जब्त के आदि हो जाते हैं। ठीक है जी, बहुत गहरी मैंने बात आज आपको बताई, इसका गौर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी भी इनको इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।